नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं द इंडियन फीवर चैनल। यहां मैं आप लोगों से बात करूंगा किसानों के लिए गवर्नमेंट के द्वारा कौन सी 5 स्कीमें चलाई जा रही हैं जो उनके फसल के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है और वो सही तरीके से खेती कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों कई सारी योजनाएं आप लोगों के सामने लाई गई हैं, लेकिन अगर किसान भाइयों से आप बात करेंगे तो उनको एक दो योजनाओं के बारे में पता होगा। तो आप लोग इन 5 योजनाओं को देखिए, मैं डिटेल में नहीं आप लोगों से बात करूंगा। कई लोगों को सारी योजनाओं के बारे में पता होगा, तो अगर आप लोगों को जिन योजनाओं के बारे में नहीं पता होगा वो योजनाओं के नाम आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं डिटेल्ड वीडियो उस पर जल्दी से जल्दी आप लोगों को देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहां पर जो सबसे पहली योजना है वो है आप लोगों का फसल बीमा योजना। इसमें दोस्तों आप लोगों के फसलों का बीमा किया जाता है, जैसे कि आप लोगों का बीमा किया जाता है फसल तैयार होने से पहले, अगर फसल के साथ कुछ हो जाता है तो आप लोगों को यहाँ पे क्लेम दिया जाता है, यानी कि आप लोगों का जितना भी खर्चा आया है और जितनी की भी लागत हुई है उतने का आप लोगों का इंश्योरेंस किया जाता है फसल बीमा योजना के तहत। और अभी तक के दोस्तों जो आंकड़े हैं लगभग 48,000 करोड़ रुपए क्लेम किया जा चुका है फसल बीमा योजना के तहत। तो यहाँ पे दोस्तों क्लेमिंग प्रोसेस काफी सही है, आप लोगों को काफी अच्छा लाभ मिल सकता है। अगर बीच में कभी बाढ़ आ गई, आप लोगों की फसल खराब हो गई या फिर आप लोगों के खेतों के ऊपर से करंट गए हुए हैं, तो वहां कभी कभी क्या होता है कि खेतों में आग लग जाती है। तो इस तरह की बीमा योजनाएं दोस्तों आप लोगों के लिए हेल्प कर सकती हैं। और दूसरी योजना है दोस्तों राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना। ये दोस्तों एक तरह की ऑनलाइन मंडी है किसानों के लिए बनाई गई है, जहाँ पे जो भी आप लोग उत्पादन करते हैं वो सारी लिस्टिंग वहाँ पे उपलब्ध होती है। तो आप लोगों के लिए एक ऑनलाइन मार्केट है। इस मार्केट में दोस्तों आप लोग कह सकते हैं लगभग 586 मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना के तहत जोड़ा गया है और यहाँ पे सभी किसान भाई इसका लाभ ले रहे हैं। तो आप लोग भी इस योजना के बारे में जानिए और इसको अच्छे से एनालिसिस कीजिए और आप लोगों के लिए काफी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होगी अगर आप लोग राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना के तहत जुड़ते हैं। अब तीसरी स्कीम है दोस्तों सॉइल हेल्थ कार्ड। ये दोस्तों आप लोगों की मिट्टी का परीक्षण करके सरकार के द्वारा आप लोगों को हेल्थ कार्ड प्रोवाइड करा जाता है। ये दोस्तों आप लोगों को बताता है कि आप लोगों के खेत में कितना खाद पड़ना चाहिए, कौन सा खाद पड़ना चाहिए आप लोगों के खेत की मिट्टी के अकॉर्डिंग। कई बार क्या होता है दोस्तों कि किसान केवल यूरिया डालते हैं या फिर जो भी उनका पहले से ही खाद डलता हुआ चला आ रहा है केवल वही खाद डालते हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोगों की खाद की टेस्टिंग करी जाती है, आप लोगों के खेत की मिट्टी की टेस्टिंग करी जाती है, फिर पता लगाया जाता है कि आप लोगों को किन खादों में क्या डालना चाहिए और आप लोगों की कौन सी फसल डाल रहे हैं तो उसमें क्या खाद डालना चाहिए। तो इस योजना के तहत आप लोग इसका लाभ ले सकते हैं। कुछ आंकड़े मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं तो 10,73,00,000 तक आप लोगों का 2015 से 16-17 तक आप लोगों का कार्ड बांटा गया था और 2017 से 19 तक 10,69,00,000 लगभग आप लोगों के सॉयल हेल्थ कार्ड बांटे गए हैं। चौथी स्कीम दोस्तों जो कि आप लोगों को एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने खेती को और आगे तक बढ़ाने के लिए और लोगों तक पहुंचाने के लिए, जैविक खेती योजना। दोस्तों इस योजना में आप लोगों की जो भी रासायनिक खेतियां हो रही हैं जिसकी वजह से लोगों की हेल्थ खराब हो रही है, तरह तरह की बीमारियां निकल करके आ रही हैं, तो यहाँ पे जैविक खेती को यानी कि जो पुराने तरीके से खेती हुई चली जा रही है, जो आप लोग खाद यूज करते हैं गोबरों के खाद वगैरह वगैरह, तो उस तरह से जैविक खेती होती है दोस्तों, यूरिया वगैरह का इस्तेमाल ना करके जिस तरह से आप लोग खेती करते हैं बिना रासायनिक खादों के, तो इस तरह के लोगों के लिए गवर्नमेंट भी लेकर के आ रही है, लोगों को पद्मश्री अवार्ड तक मिल रहे हैं। तो आप लोग अगर जैविक खेती से कुछ नया करते हैं, कुछ नए तरीके का खाद लेकर के आते हैं, तो आप लोगों को यहाँ पे जैविक खेती के अकॉर्डिंग अच्छा खासा पुरस्कार के साथ साथ पद्मश्री अवार्ड भी जीत सकते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि जो सरकार ने आंकड़े अभी पेश किए हैं जैविक खेती के लिए, लगभग 28,00,000 हेक्टेयर के फील्ड्स में खेतों में जैविक खेती हो रही है। और दोस्तों पांचवी योजना जो कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, इस योजना से लगभग सभी किसान भाई लोग परिचित होंगे और जो वीडियो देख रहे हैं अभी तक वो भी परिचित होंगे, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं, किसान सम्मान निधि योजना दोस्तों एक तरह से प्रोत्साहन राशि है जो कि किसानों को प्रोवाइड करी जा रही है। ये आप लोगों को 6,000 रुपए की राशि दी जा रही है, 2,000 रुपए करके 3 किस्तों में आप लोगों को मिलती है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, आप लोग किसान होने चाहिए और कई सारी डिटेल है इसकी एलिजिबिलिटी के लिए, तो मैं नीचे आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दे दे रहा हूं, उसको आप लोग देखिएगा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में आप लोगों को डिटेल में जानकारी मिल पाएगी। तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है। बाकी किसानों के लिए और भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन वो कुछ खास योजनाएं नहीं है,
पर ये पांचों योजनाओं के बारे में आप लोगों को जानना जरूरी है। अब मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि कौन सी योजना आप लोग पहले से जानते थे या फिर आप लोग किन योजनाओं के बारे में जानना चाहते हैं आने वाली वीडियोस में, तो नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स कर सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों को वीडियो देने की कोशिश करूंगा। बाकी ये वीडियो आप लोगों के लिए कुछ हेल्पफुल निकल करके आई हो तो दूसरों के साथ जरूर इसको शेयर करें और उनको भी बताएं कि आप लोगों के लिए ये पांच योजनाएं हैं, आप लोग जो भी लाभ लेना चाहते हैं इन पांच योजनाओं में लाभ ले सकते हैं। और आप लोग कोई भी कृषि विभाग का जो भी आप लोगों के जिले में क्षेत्र हो वहां पे जाकर के विजिट करेंगे तो इसकी डिटेल आप लोगों को और अच्छे से मिल पाएगी और आप लोग इसके लिए अप्लाई भी कर सकेंगे। तो बस दोस्तों आज के वीडियो सिर्फ इतना ही है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आ सके। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो।